मेरे दोस्तों, एक बार फिर से राकेश हार्ट एंड रोड का तहे दिल से नमस्कार। आज हम बड़े मायूस हैं। क्यों मायूस हैं? इसका एक ही कारण है। आज हम काफ़ी समय से, सन 2022 से एक मकान बना रहे थे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के उतरौला कस्बा हाटन रोड पे। 1.5 साल हो रहा है करीब, 2023 में हम चले गए। और हम जब से न्यू इस मकान की डाले हैं, तब से हमारे अड़ोसी और पड़ोसी, एक तरफ राइट हैंड पे मेरे एक सज्जन लोग रहते हैं जिनका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में दिया जाता है, सचिदानंद, और दूसरी तरफ तिलक राम तेली। तो गाइस, इन लोगों के वजह से मेरा मकान अभी भी आधा अधूरा है। मैंने नींव डाली, बिम खड़ा किया और बिम पे मैं अपना पीछे का हिस्से का छत बनाया और दो रूम बनाया। अब आगे का मसला रह गया कि आगे मैंने तोड़ करके वहाँ पे बेसमेंट बनाना था। तो जब बेसमेंट बनाना था तो मैंने खुदाई की। आज खुदाई करे हुए मुझे करीब 6 महीना हो चुका है। 5 फुट खोदना था 20x20 का, और तो नीचे से बुनियाद खोदी गई। तो बुनियाद में मैं आपको ये, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, राइट हैंड की तरफ जो बुनियाद है उसमें से 3 रद्दा ईंटें निकाल दी है। पहले निकाले गए थे, आज नहीं निकाले गए, लेकिन काफ़ी समय पहले निकाले गए जब मेरे फादर ने इस मकान को बनाया था। और जब मकान बना था तो कमरे के अंदर पानी निकलता था। जब पानी निकलता था तो हम लोग नहीं जानते थे कि शायद पानी अगल बगल से या कहीं से आ जा सकता है, पाइप वाइप लीक हो इस वजह से आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमने बेसमेंट खुदवाया तो उसमें देखने को मिला कि ये जो आप फोटो में आप देख रहे हैं, इसमें बुनियाद से 3 रद्दा निकाल दी है। जबकि मेरे पिताजी ने इस बुनियाद को भरा था पूरा, बुनियाद 6 फुट नीचे खुदवाई करवा करके 6 फुट का 18 इंची बुनियाद भराया गया था। आज इसमें 3 रद्दा निकला हुआ जब देखा हमने, तो हम इसकी खुदाई मट्टी साफ करवा करके इसमें प्लास्टर करा दिए। और जब प्लास्टर करा दिए तब जब प्लास्टर करा दिए हम बुनियाद को भरा हमने, तो पड़ोसियों ने बहुत विरोध किया बनिया की तरफ से। बनिया कभी नहीं चाहता है कि मेरा मकान बने, बनिया हो या इधर का हो, दोनों कभी नहीं चाहते कि मेरा मकान बने।
इस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आगे भी दिखाते रहेंगे हम आपको। दोस्तों, ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार पे ही विवाद कर रखा है। इस पे पिलर काटना है, जो सचिदा नाम का बनिया जो है
ये पिलर काटने नहीं दे रहा है। और ये है बीम, थोड़ा सा मसाला निकला है, इसके लिए भी वो विवाद कर रखा है कि पहले इसको कटवाओ। हालांकि मैंने इसको कटवा दिया है, अब कहता है कि जाली हटवाओ। तो एक शर्त पूरी हुई, दूसरी शर्त पूरी हुई, अब तीसरी शर्त कर लिया है। देखिए मेरे लेबर भी लगे हुए हैं इस कार्य को करने के लिए। बुनियाद को भरा हमने तो पड़ोसियों ने बहुत विरोध किया बनिया की तरफ से। बनिया कभी नहीं चाहता है कि मेरा मकान बने, बनिया हो या इधर का हो, दोनों लोग कभी नहीं चाहते कि मेरा मकान बने। 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ। अब रह गया पिलर काटने की। मेरी दीवार है, 4 इंची की दीवार मेरी खुद की खड़ी है, लेकिन उन्हें पिलर काटने की जब बारी आई तो पिलर काटने नहीं दिया, पिलर नहीं काटने दिया तो उस पर विवाद करने लगे। हम काटने नहीं देंगे। नहीं देंगे क्या मतलब है कि हम नहीं देंगे? भाई आपका बना हुआ है, मैं अपना बना रहा हूँ, वो बनाने नहीं दिया। जब पिलर नहीं काटने दिया तो विवाद होने लगा। उनका कहना ये था कि हम पिलर नहीं काटने देंगे, तो हमें इतना कष्ट हो रहा है। आप ये फोटो में आप देख रहे होंगे कि पूरे बेसमेंट में पानी भर जाता है बारिश से, और मेरा आवागमन जो है बाधित हो जाता है, मतलब मैं नहीं निकल पाता हूँ, मैं इसी घर में रह जाता हूँ। और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। स्थानीय लोगों से बात होने के बाद भी वो आदमी समझने वाला नहीं, जो वो नहीं समझना चाहें तो उनसे पूछा गया क्यों नहीं काटने दे रहे हो, तो कहने लगे, पहली 7 दिन की ये थी कि मेरा पीछे जो है दीवार टूटा है, गिराया है आपने, क्योंकि कच्चा दीवार तो वो अपने आप गिरा था। उस समय 2022 की बात बता रहा हूँ, तो गिरा था, तो मैंने इनको बुला करके उनको दिखाया कि भाई आपकी दीवार गिर गई है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपनी दीवार आप खड़ी कर लीजिए और मेरी दीवार ऐसे आप ईंटें लगा दीजिए, हमको जो बनवाना होगा तो हम बनवा लेंगे। आज वो शख्स उस दीवार से विवाद करने लगा कि मेरी पहले दीवार बनाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी दीवार में बनाऊँगा, चलो आपने कहा हम बना देंगे। तो मैंने वाटरप्रूफ का मसाला लगाया है, क्योंकि मेरे घर के पूरे ट्रीटमेंट जितना भी हो रहा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, वो सब वाटरप्रूफ से हो रहा है। तो मैंने इनका 14 रद्दा ईटा जो था, मैं लेबर और मिस्त्री को ले करके, मैंने अपना मटेरियल दे करके मैंने इनका सीमेंटेड बनाया। तो आप इस फोटो के माध्यम से देख रहे हैं, ये मैंने पूरा बना रखा है। तब भी ये संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद में स्थानीय चेयरमैन को बुलवाया गया, यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने आके निरीक्षण किया। जब निरीक्षण करने के बाद इन्होंने उनको समझाया, उनको बताया कि ये ऊपर का बीम कटवावें, मेरा दीवार खड़ा करें, और पीछे जो जाली लगा रखा है उसको हटा दें। तो बीम की आप फोटो देख रहे हैं, इतना थोड़ा सा बीम निकला हुआ था। मसाला जो टाई बीम भरा जाता है तो मसाला आगे पीछे हो गया, तो मसाला निकल गया, तो उसके लिए लड़ाई। फिर उसके बाद में दीवार भर गया, मसाला भर गया। अब तीसरी पॉइंट को लेकर आ गए, जाली हटवाई है। तो जाली तो हम अपनी दीवार पर लगाए हैं, उसको कैसे हटा दें, क्यों हटाएं? अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी दीवार खड़ी कर लीजिए। अगर मेरी बात गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये आपत्ति है कि मैं जाली लगाया हूँ उससे आपको दिक्कत हो रही है, जाली लोहे की जाली है, 11,000 रुपये मैंने खर्चा किया इस पर,
पूरे जाली ऑक्सीजन के लिए मैंने करवाया कि भाई हवा आता रहे, लेकिन उनकी सोच ये थी कि मेरी घर की बहू बेटियां हैं, ये लोग उधर से देखेंगे तो इतना किसके पास टाइम है कि वो किसी और के घर में झाके या देखें। क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचा ना मेरे घर में कभी किसी ने सिखाया है कि ये सब करो, क्योंकि मैं अच्छी जगह से हो करके आया हूँ, लखनऊ से। पुराने लखनऊ की तहजीब आप लोग सब जानते हो कि किस तरीके से तहजीब होती है वहाँ की, बहुत तहजीब की जाती है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बदतमीजी की जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। अब उनका कहना है वो जाली को हटवाइए, तो जाली तो नहीं हटनी है। अगर आपको आपत्ति है, आपको परेशानी है, तो अपनी दीवार आप खड़ी कर सकते हैं। आज जो शेर आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन पे कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपनी ज़मीन पे कुछ भी कर सकता हूँ। आपको जाली भी दिखाते हैं, इसकी मैं फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड में आपको दिख रहा है ना, ये पूरी मैंने फ्रेम बनवाई थी कि पीछे से ऑक्सीजन आने के लिए। फिर उसके बाद में मैं महीन जाली आती है, मैं उसको लगाऊंगा कि उसमें से मच्छर उछर ना आए अपनी सेफ्टी के लिए। अब उनको जलन ये है कि हम उनको घर बनाने नहीं देंगे किसी कीमत पे। तो मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करूंगा और मैं ट्वीट करूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इस जमीन का पुनः जांच कराया जाए और जिस तरीके से यहाँ पे बदतमीजी की जा रही है उस पे कार्रवाई ढंग से की जाए। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं अपनी वीडियो को आप लोगों तक के पहुंचा रहा हूं और मैं सिर्फ अपने मकान से संबंधित ही वीडियो डालता हूं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप तक के मेरी वीडियो अगर पहुंचती है तो आप पूरी वीडियो को आप देखिए और इसका फैसला कीजिए। जय हिंद, जय भारत।